नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमने पिछले एक वीडियो में बात की थी कुंडली मिलान की, कि कुंडली मिलान क्या होता है, कुछ 36 गुण मिलते हैं। मैंने देखा जो लोग कुंडली के विरोध में होते हैं, जो कुंडली मिलान के अगेंस्ट बात करते हैं, कहते हैं देखिए कुंडली मिला के क्या होगा। एक कहावत है, हम सुनते भी हैं, कि कहते हैं राम और सीता के तो 36 में से 36 गुण मिले थे, फिर उनके जीवन में वनवास क्यों आया, फिर राम जी ने सीता जी को क्यों छोड़ा। तो यहां मैं आपको दो बातें क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात कि राम और सीता जी की कुंडली मिली ही नहीं थी, कारण सीता जी की कुंडली थी ही नहीं। अगर आपने कोई धर्म ग्रंथ पढ़े हों तो आपको पता होगा कि राजा जनक को सीता जी एक घड़े के अंदर मिली थी, तो उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ किसको पता था? वो माँ के गर्भ से वो किसलिंग को धरती सुता, धरती की पुत्री कहा गया है। तो जब उनकी किसी के पास उनका टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ था ही नहीं, तो सीता की कुंडली, और कहीं भी आपको शास्त्रों में सीता की कुंडली का वर्णन नहीं मिलता, जबकि हमारे पास भगवान राम की कुंडली है, हमारे पास भगवान कृष्ण की कुंडली है, और आप किसी भी प्राचीन, जब हम लोग आज से 20 साल पहले, 40 साल पहले किसी भी कुंडली बनाते थे, तो एक जनरल प्रोटोकॉल था कि सबसे पहले भगवान श्री राम की और भगवान श्री कृष्ण की कुंडली बनाई जाती थी। भगवान राम की कर्क लग्न की कुंडली है और भगवान श्री कृष्ण की वृष लग्न की कुंडली है, पर कहीं भी सीता की कुंडली का उल्लेख नहीं है। और ये उल्लेख इसलिए नहीं है क्योंकि सीता जी का जन्म समय किसी को भी ज्ञात नहीं था। तो ये कहना कि भगवान राम और भगवान सीता की कुंडली मिली थी, 36 गुण मिले थे, गलत है। दूसरी बात, जब भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था, तो विवाह भी कुंडली मिलान ऐसा नहीं हुआ था जैसे आज होता है कि पहले लड़के की कुंडली मंगाई, फिर हमने कुंडली मैच की और फिर देखा देखी भी नहीं। आप जिसे जानती होंगे, सीता जी का स्वयंवर हुआ था, उस स्वयंवर में अनेक राजा लोग आए थे, उसमें से भगवान राम भी आए। भगवान राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा, शर्त ये थी कि जो शिव जी का धनुष तोड़ेगा उसी से उसी को सीता वरण करेगी। तो यह दूसरी बात कि कुंडली मैच नहीं हुई थी, भगवान राम ने सीता को स्वयंवर में जीत कर, स्वयंवर की शर्त पूरी करके माता सीता से उनका वरण हुआ था। तो केवल बोल देना, मतलब ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश में कि किसी बात को काटना हो आप कुछ भी बोल दीजिए, तो बहुत लोग कहते हैं 36 में 36 गुण मिले थे। तो मैं आज ये बताना चाहता हूँ 36 में 36 गुण नहीं मिले थे, और मैं तो यहां तक कह रहा हूँ जो सच भी है, मैंने प्रूव भी किया, 36 के 36 गुण क्या कोई गुण ही नहीं मिले थे, क्योंकि सीता जी की कुंडली उपलब्ध नहीं थी। तो ऐसी बातें मैं आपकी आपसे शेयर करूंगा कि किसी भी चीज को, किसी भी तर्क को काटने के लिए हम कुछ ऐसे ही चला देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद।